वृंदावन में आने वाले लोग, वृंदावन में संत महात्मा गुरु कथाकारों से प्रेम की दीक्षा मांगते हैं। और ये सच है, यही वो भूमि है जिस भूमि में प्रेम की दीक्षा या प्रेम की दीक्षा उस निराकार ब्रह्म को ब्रज की गोपियों के द्वारा दी गई। एक ऐसा प्रेम जो कि पूरे ब्रह्मांड में अवर्णनीय है, निस्वार्थ है, निश्चल है, जिसमें कोई कपट नहीं है। प्रेम की परिभाषा क्या है ये गोपियां बताती हैं, जहां गिव एंड टेक सिस्टम नहीं है। आजकल तो गिव एंड टेक सिस्टम है, लेकिन प्रेम की भाषा है गोपियों की तरह कि ब्रह्म को भी दिया, ब्रह्म से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी, भगवान को भी दे देते हैं, भगवान से कुछ लेते नहीं है। तो ऐसी पावन ब्रजभूमि, ऐसा वृंदावन जहां ब्रज की हर एक गली में आपको कहीं ना कहीं भगवान की लीलाओं का दर्शन हो जाता है, हर एक रूप में, चाहे वो कदंब के रूप में, चाहे वो जमुना के तट में, चाहे वो हमारे निधिवन में, चाहे यहाँ के पृथ्वी पे जो रज है उस रज पे भी, क्योंकि इस रज का भी भोग भगवान ने लगाया है। तो ये ब्रज अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। इस रज को माथे पे लगा लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसा इसका एक बार मुक्ति कहती है भगवान से, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, भगवान कहते हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो जो मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली ब्रज रज है, उस ब्रज रज का स्पर्श प्रेम की भिक्षा हमको प्रदान करता है। तो इसलिए ये ब्रज स्पेशल है, इसका महात्म्य स्पेशल है, और भगवान के धाम तो है ही है, गोलोक धाम ही है, इसीलिए इस पे भगवान लीला करते हैं।